ये कॉमन बेस एम्पलीफायर में क्या होगा कि आपका जो सॉरी हाँ बेस जो है ना कॉमन हो जाएगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो आप इमीटर पे हम इनपुट देंगे इमीटर और बेस पे, और आउटपुट लेंगे कलेक्टर और बेस पे। तो ये सर्किट बनेगा ना, आर सिग्नल यहाँ पे आपका बेस ग्राउंडेड है और फिर आपको कलेक्टर पे ये आर सीरीज लगा हुआ। हम इस केस में क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी आपके इमीटर पे रेजिस्टेंस होगी या सोर्स पे रेजिस्टेंस होगी तो फिर हम क्या करते हैं टी मॉडल प्रेफर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए जो बीजेटी है उसको रिप्लेस कर देता हूँ विद इट्स टी मॉडल। ठीक है, टी मॉडल से रिप्लेस करते हैं फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। सर्किट इस तरह का होगा, इसका बीजेटी और यहाँ पे आर सिग्नल आ जाएगा, यहाँ से इनपुट वी सिग्नल, जाहिर ये एसी है, डीसी को हमने ग्राउंड किया हुआ। तो यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे कलेक्टर की रेजिस्टेंस आर सी, ठीक है, ये हो गया। और ये जो बेस है इसको हम क्या कर लेंगे ग्राउंड कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है विद टी मॉडल। तो टी मॉडल से रिप्लेस करेंगे जो सर्किट बनेगा, यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स ये आई होगा और ये स्मॉल आर ई हो जाएगा, आर ई ये कनेक्टेड है विद आर सिग्नल एंड वी सिग्नल, वी सिग्नल दिस इज आर सिग्नल, ये आपका बेस ग्राउंड हो गया एंड दिस इज कनेक्टेड विद कलेक्टर रेजिस्टेंस आर सी। अभी लोड हमने नहीं लगाया। तो इनपुट कहाँ से दे रहे हैं, जाहिर है वो हम इमिटर से दे रहे हैं। इनपुट रेजिस्टेंस आपकी आर ई बनेगी ना, इस लेमन अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, आर ई इज योर इनपुट रेजिस्टेंस। अल्फा ओवर जीएम के बराबर होता है, तो इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि आपकी जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। आर ई इज इक्वल टू अल्फा ओवर जीएम, और जीएम आपको पता है वो इक्वल होता है आई सी ओवर वी टी, जो कि एक स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। ये भी मिली एम्स में होगा और ये 25 मिली एम्स होगा, एक स्मॉल वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस आ गई। अब हम आते हैं इस पे एवी नॉट पे ना, एवी नॉट के इक्वल होगा वी आउट ओवर वी एन, जाहिर है वी एन हमारे पास जो आर ई के अक्रॉस वोल्टेज है वो हमारे पास किसके बराबर है, एन के बराबर है ना। और जाहिर है इसकी पोलैरिटी भी अपोजिट होगी क्योंकि नीचे भी सिग्नल लगा हुआ है, इसमें भी वो फिर माइनस वाला साइन जिस तरह हमने पिछली दफा कहा, ठीक है। वी आउट किसके बराबर है वो आपको पता है, वी आउट ऑलरेडी आपको पता है कि वो बराबर है आई सी यानी आई इंटू माइनस आई आर सी के बराबर। आई किसके बराबर है, जिस तरह आप भी हमने किया है, ठीक है।
ठीक है, आई मेरे पास जो होगा, जाहिर है ये जो ऊपर वाला करंट है आई सी है, तो आई सी और आई ई का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, वो अल्फा आई ई होता है ना, ठीक है। ये जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आएगी ना, ये आई सी आर सी होती है, और ये आर आर ई में जो करंट जाएगा वो आई ई होगा ना। तो बेसिकली मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि वी आउट हो जाएगा, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई ई आर सी। और आई ई आपसे मैं पूछता हूँ किसके बराबर है, ठीक है, वो सिंपल है, वो कोई मसला नहीं, आप निकाल सकते हैं यूजिंग ओहम लॉ। ये अगर आपने आई ई निकालना है, ये इसमें चले आई ई मुझे फॉर एग्जाम्पल पता है, या अगर मैंने आई ई नहीं पता मुझे तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसको निकाल भी सकता हूँ यूजिंग ओहम लॉ, कि जैसे मैंने कहा वी एन इज इक्वल टू आई ई आर ई, तो मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूँ वी एन के फॉर्म में, यानी ये वी एन के फॉर्म में मेरे पास जो आर आई ई आएगा ना, वो आ जाएगा वी एन ओवर आर ई ना, ये याद रही आई ई है नॉट आई सी है, इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आई मेरे पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वी एन, अगर आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि ए वी नॉट में मुझे चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वी एन। तो अगर मैं इसको प्लग इन करता हूँ ना यहाँ पे, ये वैल्यू मैं यहाँ पे वी आउट में पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा अल्फा वी एन ओवर आर ई टू आर सी। ठीक है, अब ए वी नॉट में निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये वी आउट में पुट करूंगा और वी एन पुट करूंगा, ए वी नॉट में निकालना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वी आउट यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन, याद रहे कि ये पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि वी एन मुझे नेगेटिव लेना चाहिए, आई सी करंट जो है ना ये मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, वी एन जो होगा ये इसकी पॉजिटिविटी अभी मैंने आपको बताई, वी सिग्नल क्योंकि नीचे लगा हुआ है, ये पॉजिटिव आप प्लस माइनस यू नहीं लिख सकते, नेगेटिव पॉजिटिव लेने पड़ेगी आप, इसलिए वी एन को हम नेगेटिव लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वी एन आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, ये जो वैल्यू आपने यूज की है यहाँ पे आपको नेगेटिव यूज करना, ठीक है। चलें अल्फा ये प्लस हो गया, अल्फा बी एन और आर ई आर सी डिवाइड बाई बी एन, बी एन और वी एन हो जाएगा कैंसल, तो बाकी बचा आपके पास अल्फा आर ई टू आर सी, अल्फा और आर ई, और आर ई आपको पता है दिस इज इक्वल टू अल्फा और जी एम, और अगर मैं एक अप्रोक्सीमेशन करूं कि अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन, तो मैं इसको वन ओवर जी एम भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से करूंगा ना, तो मेरे पास जो बचेगा वैल्यू ए वी नॉट, अगर अल्फा के फॉर्म में लिख दूं तो ये इस तरह का आ जाएगा, अल्फा ओवर जी एम ये कैंसिल हो जाएगा इंटू आर सी, ये हो जाएगा जी एम आर सी, और ये देखें पॉजिटिव में है, जिस तरह पिछला भी आपके पास पॉजिटिव था, उधर जी एम आर डी था, यहाँ पे जी एम आर सी है, आपका जो गेन है वो डिपेंडेंट है यहाँ पे आर सी पे। अच्छा, अगर इधर ही हम मैं बात आपसे करूँ कि अगर मैंने ए वी निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, ए की चीज चेंज करनी पड़ेगी, क्या है, आर सी के पैरेलल में आपको आर एल लेना पड़ेगा, लोड रेजिस्टेंस हमेशा आउटपुट हम लगाते हैं, आउटपुट आर सी पे हम ले रहे थे, अब हम क्या कर लेते हैं, आर सी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे आर एल, उससे मेरे पास पे ये सर्किट आर एल और ए वी नॉट।
ठीक है, यहाँ पे ए वी नॉट होगा से पहले पहले, और इसके बाद अगर आप लेंगे ये हो जाएगा आपके पास ए। आउटपुट रेजिस्टेंस वही है, आउटपुट रेजिस्टेंस आपकी किसके किस किसके बराबर है, आर सी डी आप इसके क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं आर सी। अच्छा अब आते हैं जीबी की तरफ, कैपिटल या ओवरऑल गेन जो है वो बराबर है वी आउट ओवर वी सिग्नल ना, वी सिग्नल और वी एन का रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। जैसे अभी हमने निकाला था पिछले में वी एन इज इक्वल टू वन ओवर जी एम हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर लगेगा वन ओवर जी एम प्लस आर सिग्नल इंटू वी सिग्नल, जिसको मैं यू भी लिख सकता हूँ वन ओवर वन प्लस जी एम आर सिग्नल, ठीक है इंटू वी सिग्नल। तो मेरे पास जो आएगा ना वी सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वी एन वो आ जाएगा वन प्लस जी एम आर सिग्नल। वही वैल्यू है, सर्किट्स भी दोनों सेम है ना एक तरह से। ये मैंने इस पे वोल्टेज डिवाइडर लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे वी एन निकालना चाह रहा था, तो मैंने आर ई सॉरी मुझे वन ओवर जी एम नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैंने गलती की है, एग्जैक्ट वही वैल्यू लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्योंकि आर ई है जो कि वन ओवर जी एम के ही बराबर है अल्फा ओवर जी एम के, तो चले मैं इसको थोड़ा सा वैल्यूज यही आएगी क्योंकि अल्फा और जी एम है और उसको मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ इक्वल टू, अगर एग्जैक्ट करूँ ना, ठीक है ये। और आर ई को अगर मैं क्या लिखूं अल्फा ओवर जी एम ना, यानी अगर आर ई को मैं लिखूं दिस इक्वल टू अल्फा ओवर जी एम विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन ओवर जी एम, तो अगर आप ये यूज करेंगे ना तो ये फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप यूज करें और जी वी निकालने के लिए आप पुट करें इसको, वी आउट आपको ऑलरेडी पता है कि किसके बराबर है जी एम और आर सी पैरेलल विद आर एल वी एन, और इसी तरह इसको डिवाइड करें वन प्लस जी एम आर सिग्नल वी एन, वी एन और वी एन आपका कैंसिल। अच्छा ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, अगर आपने रियल वैल्यू लिखी है फिर आप ये वाली लिखते हैं अदरवाइज, मगर ये तकरीबन उसके बराबर हो। बाकी मैं बुक से दिखा देता हूँ कि क्या हमने सही किया या नहीं किया। इस आर ई को आप ऊपर लें और जी एम जाहिर है ये जो आर ई ऊपर आएगा और इधर जी एम भी है, तो आर ई को मैं इस स्मॉल आर क्यू में यू भी लिख सकता हूँ ना आर ई इंटू जी एम, आर ई जो है ना वो बराबर होता है अल्फा ओवर जी एम के, तो जी एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अल्फा टाइम्स आर सी आर एल और आर ई प्लस आर सिग्नल आ जाएगा ना, ये अल्फा टाइम्स आ जाएगा। तो अल्फा को अगर आप अप्रोक्सीमेट कर लें तो फिर ये आर सी पैल विद आर एल लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो अल्फा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वन, ये एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाएगी जो अभी आपने में देखी है, ठीक है। ये देखें ना अल्फा टाइम्स आर सी आर एल पैरेलल विद आर इज आर सिग्नल प्लस आर,
अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वन ले, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली टू वन है, तो अब आपका जो एम्पलीफायर का जो ओवरऑल गेन है वो अगर आर सिग्नल और आर एल और आर सी से जो वैल्यू आ रही है वो अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, आर ई की वैल्यू तो अल्फा और जी एम है ना, तकरीबन आपके पास जो गेन होगा बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन होगा ना। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें हमने जिस तरह कॉमन गेट में हमने डिस्कस किया कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, इसकी भी इनपुट रेजिस्टेंस आर ई है जो अल्फा और जी एम के बराबर है और जो कि वेरी स्मॉल है, तो हम इसको अकेले एज एम्पलीफायर यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें वही कैस्केडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कॉमन सोर्स के साथ या किसी और एम्पलीफायर के साथ जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो, कॉमन इमिटर के साथ, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है कि लो इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए।